चलिए आगे बढ़ते खबर लखनऊ से, जहां पर तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का यह पूरा मामला है। चेन्नई के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती रवाना। बताया जा रहा है कि एमएस स्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने के लिए मायावती चेन्नई रवाना हो गई। आकाश आनंद भी श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई रवाना हुए हैं। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती चेन्नई रवाना हो गए हैं कि एमएस स्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने के लिए मायावती चेन्नई रवाना हो गई है। आकाश आनंद भी श्रद्धांजलि देने चेन्नई रवाना हुए। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती चेन्नई के लिए रवाना हो गई हैं, वहीं आकाश आनंद भी श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें चेन्नई रवाना हो गए हैं। तो ये सीधी तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एमएस स्ट्रांग को श्रद्धांजलि देंगी आज मायावती। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक और अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक देखिए कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती रवाना हो गई है चेन्नई के लिए। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार तमिलनाडु में देखा गया था कि जगह जगह पे बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए, और आज बसपा सुप्रीमो मायावती और साथ में आकाश आनंद भी चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पहुंच के वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम तरीके से हत्या होती है, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं, चाहे मायावती की तरफ से या फिर अन्य जो पार्टी है उनके तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर उनको चाकू से गोद करके हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से जो तमिलनाडु का जो सियासत है वो और भी हाई हो जाता है, और उसी के बीच आज मायावती चेन्नई पहुंचेंगी और चेन्नई पहुंच करके बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, और उनके साथ में आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे, वो भी मायावती के साथ चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से पूरे वारदात को देखा जाए, वारदात को अंजाम देने वाले 8 लोगों कि अभी फिलहाल में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उनके घर के बाहर ही चाकू से गोद करके हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो सियासत है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है, जहां मायावती के जो तमाम कार्यकर्ता है इसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और सवाल भी खड़े कर रहे थे। आखिर जिस तरह से तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और हत्या के बाद जांच में 8 लोगों की फिलहाल में अभी तक गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी के बाद भी अभी जो मेन फैसला वो अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर किस वजह से उनकी हत्या की जाती है, और पुलिस हालांकि पूछताछ कर रही है और भी जांच जारी है। लेकिन आज मायावती चेन्नई पहुंचेंगी और चेन्नई पहुंच करके उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगी, उनको श्रद्धांजलि देंगी, और देखना ये होगा कि जब मायावती तमिलनाडु आज पहुंचती है चेन्नई, जब वो पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद जब वो उनको श्रद्धांजलि देती है, वहां के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करती है, तो और क्या कुछ रुक रहने वाला है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं नंदनी, आखिर प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह से जो हत्या हुई है इसके पीछे किसकी साजिश है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है और किसके वजह से ये हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया, तो सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। अब मायावती जब वहां पे पहुंचेंगी अपने कार्यकर्ताओं से वो वहां पे मुलाकात करेंगी, तो और भी देखना ये होगा कि आखिर वहां का माहौल क्या कुछ रहने वाला है। जी नंदनी बिल्कुल, सहयोगी अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर देखिए कहा जा रहा है कि इस हत्या में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज बसपा सुप्रीमो मायावती चेन्नई के लिए रवाना हो रही है, वो श्रद्धांजलि देने जाएंगी। बिल्कुल नदी, देखिए जिस तरीके से बीते दिन तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, उनकी देखिए सरेआम चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। देखिए दो बाइक पर सवार 6 लोग वहां पर पहुंचे और घर के बाहर उन्हें चाकू से वार करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, और उसके बाद देखिए तमिलनाडु में तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं रोष जरूर है, उन्होंने कई कई जगहों पर प्रदर्शन जो है वो भी किया है। वहीं इसको लेकर देखिए बसपा प्रमुख मायावती आज जो है वो चेन्नई जाएंगी और इसी के साथ साथ आकाश आनंद जो है वो भी चेन्नई पहुंचेंगे,
और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया इससे कहीं ना कहीं देखिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और किसी प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इस तरीके से सरेआम जो है घर के बाहर हत्या हो जाती है। और इस तरीके से देखिए अब बसपा प्रमुख जो है वो भी तमिलनाडु पहुंचेंगी और इसी के साथ साथ देखिए आकाश आनंद भी पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उससे देखिए तमाम किस तरीके से क्या कुछ घटना हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो है 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। नंदनी जी बिल्कुल दीपक, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक संदेश देने की कोशिश जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हत्या होती है और हत्या के बाद लगातार हंगामे भी देखने को मिल जाते हैं और जाहिर सी बात है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जिस बीच अब मायावती चेन्नई पहुंचेंगी और चेन्नई पहुंच करके उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगी और वहां पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, लेकिन उसके बाद नंदी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर उनकी हत्या हो जाती है और हत्या के बाद हालांकि 8 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। जांच भले ही शुरू हो चुका है लेकिन इसका कारण क्या है, हत्या के पीछे का साजिश क्या है, यह अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। और इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं तमिलनाडु से लेकर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और प्रशासन के खिलाफ भी उनका आक्रोश सामने आ रहा था कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर 6 लोग आते हैं और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक किसी बड़ी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के लिए तमिलनाडु किस तरह से सुरक्षित हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के हत्या के बाद जो ये आग लगी है, जिस तरह से लगातार बसपा की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल भी लाजमी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा में जब इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो वहां का जो आम जनजीवन है, जो आम जनता है, उसका सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा। या फिर जिस तरह से 8 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है लेकिन मेन साजिशकर्ता कौन है ये अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है और इसके पीछे का जो मेन कारण है ये पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है, अभी इसका मेन कारण पता नहीं कर पाई है। लेकिन जब आज मायावती चेन्नई पहुंचेगी उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेगी और आगे की रणनीति के लिए भी चर्चा की जाएगी, आगे किस तरह से तमिलनाडु में बसपा काम करेगी और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। जब मायावती चेन्नई पहुंचती है उनके परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती है और उनको क्या कुछ संदेश देती है। जी बिल्कुल अजहर, देखिए कहा जा रहा है कि मायावती आज पहुंचेंगी, देखिए कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सियासी हलचल आज तेज हो जाएगी। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से एक प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम घर के बाहर हत्या हो जाना, इसको लेकर देखिए कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठते हैं क्योंकि देखिए बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है और इस तरीके से घर के बाहर दो बाइक सवार जो आते हैं, दो गाड़ियों पर 6 लोग आते हैं और उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर देते हैं, देखिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। अब ये पूरे तरीके से मामले की जाँच पुलिस करेगी, फिलहाल 8 लोगों को हिरासत में लिया है, क्या राजनीति रंजिश के चलते ये हत्या की गई है या कोई और वजह है, अब वजह भी जानने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी। देखिए इसी के साथ साथ बसपा प्रमुख जो है वो आज वहां पर पहुंचेंगे, आकाश आनंद जो है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, परिजनों से मिलेंगे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, पार्टी से किस तरीके से आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर निर्देश भी देंगी। फिलहाल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए बड़ी बात है प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाना, तो आम कार्यकर्ता जो है वो किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल आज बसपा प्रमुख जो है वो तमिलनाडु जाएंगी और उनके प्रदेश अध्यक्ष के जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगी और उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगी। जी बिल्कुल दीपक, देखिए के आर्मस्ट्रांग की बात की जाए तो क्या उनके परिवारजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? नहीं बता दे अभी कि उनके परिवार वालों की तरफ से अभी ऐसा कुछ खास बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से रंजिश की बात लगातार की जा रही है कि आखिर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है, हत्या के पीछे क्या कोई राजनीतिक रंजिश है या फिर कोई पारिवारिक रंजिश है, ये फिलहाल में भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन परिवार वालों की तरफ से भी अभी कुछ साफ नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है जाहिर सी बात है परिवार वालों के बीच दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और जिस तरह से इस दुख की घड़ी में आज मायावती भी वहां पहुंच रही है, परिवार वालों से मुलाकात करेंगी,
करेंगी और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान पुलिस अभी 8 लोगों को हिरासत में ली है, लेकिन अभी तक जो मेन कारण है उसका पता अभी भी पुलिस वाले नहीं लगा पाए हैं। परिवार वालों से भी पूछताछ की जाती है, पारिवारिक एंगल भी निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है और राजनीतिक एंगल भी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन जब हत्या होती है तो पारिवारिक रंजिश की वजह से भी हत्या की जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी रंजिश का सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर किसी दल की राजनीतिक रंजिश की वजह से प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कराई गई हो, तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन जवाब फिलहाल अभी पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। पुलिस बस जांच में जुटी हुई है और पुलिस की तरफ से तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर कार की